सेकेंड सत्र में सभी का स्वागत है। हमारे बीच में बबली सिंह उपस्थित है, सेमेस्टर फोर की स्टूडेंट है और हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। प्रतिमा राज उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और हमारी आज की फैकल्टी डॉक्टर नीतू किरण भास्कर उपस्थित हो गई हैं, वो हमारे समवाई फाउंडेशन के प्रमोटर भी हैं, उनका स्वागत है। और आज की फैकल्टी भी हैं, सत्यवती कुकरेती जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। सरिता जैन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। सुधा पाठक जी उपस्थित है, हमारे समवाय फाउंडेशन के प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। इसके अतिरिक्त भी अन्य लोग जुड़े हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। प्रतीन प्रतीन करके भी जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। तो पहली बात यह कि हम लोग ये न डरें कि हम लोग क्या करना है। जो और सरिता जैन मैडम, मुझे आश्चर्य इसलिए होता है कि हम लोग मानते हैं आयुर्वेद में कि जैसे सूर्य चंद्र और वायु ने पूरा धारण कर रखा किसको, ब्रह्मांड को, उसमें हम शरीर पे जैसे धारण कर रखा है हम लोगों ने, वात पित्त कफ ने शरीर को धारण कर रखा है, वैसे ही हम लोगों की मान्यता है कि नारी जो गृहिणी के रूप में है उसने कितने लोगों को रिश्तों में बांध के रखा हुआ है और सबको धारण कर रखा, पूरे परिवार को केंद्र बिंदु के रूप में। तो उसकी क्षमताएं अनंत हैं, वो पढ़ती भी है, चाय भी बना रही है, खाना भी बना रही है, पढ़ा भी रही है, उसके बाद घर के बैंक बाहर का काम भी कर रही है। तो उसकी क्षमताएं अनंत हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको भौतिक रूप से कहीं वो कमजोर हो। तो इसलिए मेरी मान्यता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और कोई परेशानी की बात नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग आज अब इसमें डॉक्टर नीतू किरण भास्कर जी को हम लोग कल सुने और कल हम लोगों ने देखा कि उन्होंने एक चैप्टर हम लोगों को स्पेशल सेंसेस के बारे में विचार में लाया और बढ़िया से उसके बारे में हम लोगों को बताया। आज उसी PHB में हम लोग एक परीक्षण एक पुस्तक है, जो परीक्षण भागवन ये किताब है, ये भी हमारे कोर्स में है। इसी कोर्स के चैप्टर नंबर 4 पर उनको जो है लीवर में, क्योंकि ये परीक्षण क्या है इसको जानना इसलिए आवश्यक है कि हम लोग जो परीक्षण करते हैं उनके आधार क्या है और वो क्यों क्यों करते हैं, इसके संबंध में वो आज चर्चा करेंगे। तो मैं उनका स्वागत कर रहा हूँ और उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि अपनी बात कहें। तब तक मैं मैडम शेयर कर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, सभी को नमस्कार। आज जो चैप्टर मुझे टीच करना है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट, जो डिस्कस करना है। एक्चुअली मैं भी फोर्थ सेमेस्टर की स्टूडेंट हूँ, तो मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट हम वो तो डिस्कस करने के लिए आज चैप्टर है वो है लीवर फंक्शन टेस्ट, LFT। एक्चुअली आयुर्वेद और TCM में हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं टंग से, नेल से, आइज को देखकर या किसी पॉइंट को प्रेस करके, लेकिन उसके बावजूद हमें संस्थान ने ये परीक्षण बुक पढ़ने के लिए दिया है, तो इसके लिए कुछ ना कुछ बहुत बड़ा रीजन छुपा होगा। जब हम डायग्नोसिस करते हैं तभी कुछ चीजें तो रह जाती हैं, और जब हमारे पास टेस्ट आता है, मतलब मेडिकल मॉडर्न मेडिसिन के पास टेस्ट और उसका रिपोर्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है। तो जब वो रिपोर्ट हमारे पास आता है तब उस टर्मिनोलॉजी को भी हमें उसका नॉलेज होना चाहिए, और दूसरी बात जब वो रिजल्ट है या रिपोर्ट जो है उसे ज्यादा और करेक्ट डिजीज तक हम पहुंच पाते हैं, इसीलिए हमें ये बुक पढ़ाई करनी है। तो लीवर फंक्शन टेस्ट है, दैट इज द LFT। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है लोकेशन ऑफ लीवर, मेजरमेंट ऑफ लीवर, उसके बाद है फंक्शंस ऑफ लीवर, देन है व्हाई लीवर फंक्शन टेस्ट वी नीडेड। सो बहुत सारा उसमें लीवर है, हमारे फंक्शन के अनुसार बहुत सारे टेस्ट होते हैं, उसमें है पिगमेंट मेटाबॉलिज्म टेस्ट जो कि जॉन्डिस के लिए किया जाता है, फिर सेरम बिल्यूबिन लेवल उसमें है, वान डेन बार्ग टेस्ट है। बुक में VEN लिखा हुआ है लेकिन करेक्ट स्पेलिंग है VAN, वान डेन बर्ग टेस्ट। यूरिन बिलीरुबिन टेस्ट है, यूरिन एंड फीकल यूरिबुलिनोजेन टेस्ट है,
प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट है, लीवर सिक्रेटरी टेस्ट है, हेपेटिक है, फिर सबका क्या होना चाहिए मेजरमेंट, वो एक सही नॉर्मल रिपोर्ट्स दिया हुआ है, सबका नॉर्मल कितना होना चाहिए वो एक रेंज मेंशन है। डिटेलिंग में पढ़ना हमें वन डे इन ब्लड टेस्ट, सेरम बिलिरुबिन लेवल एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। तो सबसे पहले चलते हैं लीवर का लोकेशन। ये सभी को पता है बीइंग मेडिकल स्टूडेंट कि हमारा लीवर सबसे बड़ा ऑर्गन है हमारे बॉडी में, और ये डायफ्राम के नीचे स्टमक, पीछे से राइट किडनी, और ये रिब्स में रेस्ट करता है। अगर मैं अपना राइट हैंड रखते हैं रिब्स के पास तो वो पूरा और कवर करता है। इट्स अ वेरी बिग ऑर्गन। इसके टू लोब्स होते हैं, राइट एंड लेफ्ट। यहाँ लिखा हुआ है मानव शरीर में लीवर सबसे बड़ी श्राव देने वाली ग्रंथि है, मतलब सब सिक्रीशन करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गन है जो लीवर है। यह पेट में डायफ्राम के नीचे स्थित होता है और इसके साथ कुछ अंग क्रियात्मक रूप से जुड़कर हेपेटोबिलियरी तंत्र, दैट इज नोन एज हेपेटोबिलियरी सिस्टम का निर्माण करते हैं। लीवर का भार लगभग 1.5 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम, मतलब कि एडल्ट में ऐसे आप इंग्लिश में देखेंगे तो 3 पाउंड होता है, उसका एग्जैक्ट मेजरमेंट है 1.32 किलोग्राम। तो एडल्ट में 1.5 प्लस माइनस का मतलब किसी में 1.3 हो सकता है, किसी में 1.7 किलोग्राम भी हो सकता है। इसमें लीवर में 4 लोब्स होते हैं। राइट में जो सबसे बड़ा लोब है, दैट इज इन राइट साइड, उसको बोलते हैं बड़ा दाहिना लोब। लेफ्ट साइड में होता है छोटा बायां लोब, सूक्ष्म क्वारेट लोब एवं सूक्ष्म कॉर्डेट लोब। जीवित व्यक्ति में इसका रंग लाल एवं भूरा, आई मीन रेडिश ब्राउन होता है लीवर का रियल कलर जब वो लाइव होता है। परीक्षणों ने सिद्ध कर दिया है कि समस्त लीवर जब तक 1/6 भाग कार्य करता है तब तक हम उसे लीवर फेलियर नहीं कहते हैं। मतलब लीवर, अगर लीवर का 1/6 पार्ट भी काम करता है, उससे थोड़ा ज्यादा भी, तब अब लीवर फेल नहीं होता है। एक्चुअली इसको आयुर्वेदा में इसको फादर भी बताया गया है टीसीएम में कि लीवर इज द फादर ऑफ आवर बॉडी। तो बहुत सारी बीमारियों को बेचारा खुद झेलता है, पहले वो बहुत हमें बचाता है, बहुत देर के बाद वो रिएक्शन दिखाना शुरू करता है, फिर भी वो मतलब ऐसा कहेंगे कि फेल नहीं होता, जैसे किडनी फेल होता है, हार्ट अटैक आता है, उस तरह से नहीं होता है वो। उसके पास एक सबसे बड़ा चीज होता है कि वो रीजेनरेट करता है, और वो हमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिखाते रहता है, बट हम अपने बॉडी को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जैसे चेहरे पे मसा आना, बॉडी में मसा आना, रेड मसा, ब्लैक मसा, या आंखों के ऊपर कुछ मास टाइप का बन जाता है। जब तक हम उसको नहीं समझते हैं, अगर वो समझ जाए और लीवर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो लीवर एकदम लास्ट मोमेंट में, तब जाकर के लीवर सिरोसिस होता है, बट इज द अल्टीमेट कह सकते हैं कि लीवर का खत्म हो जाना। तो जब तक उसका 1/6 भाग कार्य करते रहता है, हम उसको लीवर फेलियर नहीं समझते हैं। लीवर की क्रियात्मक इकाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर इज द लीवर लोब्यूल। जैसे सेल है, ब्रेन सेल्स को हम लीवर सेल्स को बोलते हैं लीवर लोब्यूल, और संपूर्ण लीवर लोब्यूल्स का निर्माण एक सेंट्रल वेन के चारों ओर फीते के समान फैली लीवर कोशिकाएं, हेपेटिक सेलुलर कॉर्ड उसको बोला जाता है, उसे द्वारा बनी रहती है। लीवर कोष मतलब हेपेटिक सेल्स की रचना हेक्सागोनल शेप होता है, मतलब हेपेटिक सेल जो लीवर का सेल है उसका आकार है हेक्सागोन, 6 साइड्स होते हैं। संपूर्ण शरीर कोशिकाओं से ये भिन्न है। इन लीवर कोशिकाओं के अलावा लीवर में 2 अन्य भांति की कोशिकाएं पाई जाती हैं। उसमें एक पहला है इंडोथेलियल सेल्स,
जो लीवर साइनोसाइट्स की रचना करती है, दूसरा है कफर सेल्स जो शरीर के रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स के सदस्य होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तीन तरह के सेल्स पढ़े हैं। एक है जो लीवर लोब्यूल है, दैट इज द हेक्सागोनल शेप में उसके सेल्स रहते हैं। सेकेंड है इंडोथीलियल सेल्स और थर्ड है कफर सेल्स। लीवर शरीर की रासायनिक फैक्ट्री, केमिकल लेबोरेटरी है। कहा जाता है कि लीवर में मोर देन 1000 केमिकल सिक्रीट होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वो केमिकल फैक्ट्री है जहाँ हृदय एवं फेफड़ों, लंग्स की भांति कार्य निरंतर होते रहते हैं। हमने इसको टीसीए में पढ़ा है कि ये भी इन ऑर्गन है, इसलिए हमेशा लीवर काम करते रहता है। लीवर को 1350 प्लस माइनस 100 मिलीलीटर रक्त प्रति मिनट वो आपूर्ति करता है। फिर अगेन प्लस माइनस, मतलब किसी के कंडीशन में 1450, किसी के कंडीशन में 1250 मिलीलीटर ब्लड है वो, तथा 300 मिलीलीटर लीवर की धमनियों से आपूर्ति होती है। 1350 मिलीलीटर होता है वो पोर्टल वेन से होता है 1350, और 300 मिलीलीटर होता है लीवर की धमनियों से, मतलब आर्टरीज। लीवर में अपनी संरचना नष्ट होने पे अपनी कोशिकाओं को जन्म देने की अभूतपूर्व क्षमता है। ये लीवर का बहुत ही बेस्ट वर्क है जो कि किसी और ऑर्गन में नहीं होता है। ये खुद को रिजेनरेट करता है। लीवर का छोटा सा पार्ट भी रह जाए तो पूरी तरह से बन एक लीवर को फॉर्म करता है। इसके बाद है फंक्शंस ऑफ लीवर। लीवर को अगर कहा जाए कि ये किस सिस्टम में आता है तो किसी एक सिस्टम में कहना मुश्किल है। डाइजेस्टिव सिस्टम भी लीवर के बिना इनकम्प्लीट है, सर्कुलेशन सिस्टम भी इनकम्प्लीट है, और इक्रीशन सिस्टम भी इनकम्प्लीट है। तो ये बहुत सारा लीवर काम करता है, बॉडी को डिटॉक्स करता है। इंटेस्टाइन से जो ब्लड जो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, ब्लड जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद वो ब्लड आता है लीवर में। तो ये बहुत सारा काम करता है। जितना बड़ा ये ऑर्गन है, जितना केमिकल सिक्रेट करता है, वो काम भी उतना ही करता है। इसीलिए लीवर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारे लिए। इसके साइनोसाइट्स में सामान्यतः 0.5 to 1 liter रक्त सदा संग्रहित होता है, जो शरीर की आकस्मिकताओं में रक्त संचार में डाल दिया जाता है। अगर बॉडी में कुछ इमरजेंसी होता है तो लीवर है जो कि 0.5 से 1 liter रक्त अपने पास रखता है। अगर इमरजेंसी है तो वो हमें, मतलब बॉडी को देता है। लीवर शरीर के समस्त लिम्फ मात्रा का 50% योगदान करता है। अभी जैसे मैंने बोला था कि वो लिम्फेटिक सिस्टम, बॉडी को क्लींजिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, उसमें लीवर का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन है। लीम्फ अधिक प्रोटीन युक्त होता है। लीवर शरीर के समस्त लीम्फ मात्रा का 50% योगदान करता है, और इसके द्वारा दिया लीम्फ अधिक प्रोटीन युक्त होता है। मतलब जो लीवर है जो लीम्फ प्रोडक्शन कर रहा है, उसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है। लीवर ग्रंथि के रूप में प्रतिदिन 700 प्लस माइनस 200 मिलीलीटर बाइल जूस स्रावित करता है, जो गॉल ब्लडर में एकत्र होता है। लीवर क्यों गॉल ब्लडर का जरूरत पड़ा, या क्या इंपॉर्टेंस है गॉल ब्लडर का? लीवर हमेशा है जो बाइल जूस को सिक्रीट करता है, लेकिन उस बाइल को हम हमेशा यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम दिन भर तो खाना नहीं खा सकते, और वो बाइल का डाइजेशन में यूज है कि वो फैट को डाइजेस्ट करता है। तो ये बाइल जूस है 700 प्लस, प्लस माइनस 200, तो किसी के केस में 900 ml और किसी के कंडीशन में 500 ml बाइल सिक्रीट होता है, और वो कॉन्सेंट्रेट फॉर्म हो करके बाइल ये गॉल ब्लडर में कॉन्सेंट्रेट रूप में जमा रहता है। हम ऐसे समझते हैं, जब हम दूध को पूरी तरह से गर्म करते रहते हैं, बाद में बहुत कम होकर के दूध बर्तन में जो बचता है, या कभी कभी देखते हैं चिपक जाता है, उसी फॉर्म में गॉल ब्लडर में बाइल है जो जमा होता है। क्योंकि आपने देखा लीवर इतना बड़ा है, 500, सपोज करें मिनिमम 500 भी ml जूस, बाइल जूस बन रहा है, फिर
लेकिन गॉल ब्लैडर कितना छोटा ऑर्गन है, तो उसमें वो 500 ml नहीं जमा हो पाएगा, तो वो काफी गाढ़ा होकर के गॉल ब्लैडर में जमा रहता है, और जब हम खाना खाते हैं तो हमें ब्रेन को मिलता है सिग्नल, तब गॉल ब्लैडर से बाइल जूसेस होकर के वो स्टमक में ड्यूडेनम में आता है। लेकिन अगर हम इसीलिए जब टाइम पे खाना नहीं खाते हैं या कुछ ऐसा प्रॉब्लम होता है, तब वो वही जो जमा होता है वो कभी कभी स्टोन के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है वो बाइल। तो ये बाइल और इसलिए गॉल ब्लैडर में होता है बिकॉज हम ऑलवेज तो नहीं खाते, जब भी खाना खाएंगे तो बाइल गॉल ब्लैडर से हमें वो फैट को पचाने के लिए सिक्रीट वो बाहर आ जाता है। लीवर स्थित कफर सेल आंतों से आ रहे रक्त को हानिकारक तत्वों एवं जीवाणुओं से मुक्त करते हैं। अभी जैसे मैंने बोला इंटेस्टाइन में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होता है, और वो ब्लड जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब किया आता है लीवर में, तो क्योंकि हम खाना तो एकदम फिल्टर करके नहीं खाते कि उसमें कोई भी पैथोजेंस नहीं जा रहा है, तब ये कफर सेल जब वो आता है लीवर में, तो लीवर में जो कफर सेल्स हैं वो जो हार्मफुल पैथोजेंस हैं, हानिकारक जो जो भी है बैक्टीरिया वायरस और भी कोई एलिमेंट्स लाइक कॉपर सिल्वर बहुत सारे कुछ भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे बॉडी को नहीं चाहिए, वो कफर सेल्स है जो उसको निकाल देते हैं। इतना इम्पोर्टेंट काम है कफर सेल्स का हमारे बॉडी के लिए। मेटाबॉलिज्म लीवर का, लीवर मेटाबॉलिज्म करता है कार्बोहाइड्रेट का प्रोटीन का एवं वसा तीनों तत्वों को, एनाबॉलिज्म एवं कैटाबॉलिज्म करता है। मेटाबॉलिज्म है जो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों से ही बनता है। अगर हम मेटाबॉलिज्म के बात करते हैं तो वो दैट इंक्लूड्स बोथ एनाबॉलिज्म एज वेल एज कैटाबॉलिज्म, और एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन का भी वो क्षमता रखता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, मतलब एनाबोलाइज भी होता है और कैटाबोलाइज होता है और इंटरचेंज होता है। सर आगे बढ़ाएंगे। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में लगभग 100 ग्राम एकत्र करता है। लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है, वो ग्लूकोज को मतलब सबसे पहले जो हम खाना खाते हैं, द लीवर कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट इंटू ग्लूकोज, जो कार्ब्स हमने खाया उसको कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, और उस ग्लूकोज को हम यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी के रूप में यूज होता है। अगर वो एक्सेस ग्लूकोज है तो वो ग्लाइकोजन में फॉर्म करके वो लीवर में जमा करता है, एंड अगेन हमें एनर्जी चाहिए और हमने भोजन नहीं लिया है, तो वो ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर के ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होकर के हमें फिर से एनर्जी देता है। तो कितना अच्छा है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, अगेन ग्लाइकोजन अगर हमें चाहिए तो ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करके कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज, जैसा जो नीड होता है वो उस काम को करता है। एंड ब्लड जब हमारा ब्लड शुगर डाउन हो जाता है तब ग्लाइकोजन है जो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। आते से आए गैलेक्टोज एवं फ्रुक्टोज को ग्लूकोज में परिवर्तित करती है। यहाँ भी ये चीज का मेंशन है कि इंटेस्टाइन से जो गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज इज द फ्रूट ग्लूकोज को कहते हैं, तो उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है जो हमें चाहिए। ग्लूकोज इज द सिंपलर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट जो डायरेक्ट एनर्जी को देता है। ग्लाइकोजिनेसिस अर्थात एमिनो एसिड का तथा ग्लिसरॉल का ग्लूकोज बना बना सकता है, दैट इज नोन एज द ग्लूकोजिनेसिस। एमिनो एसिड तथा ग्लिसरॉल को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोजिनेसिस। फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन करता है लेकिन वसा संग्रहण नहीं करता है, इसीलिए जब अगर वसा लीवर संग्रहण कर देता है तो उस वो गलत वो डिजीज में बन जाता है फैटी लीवर। तो ये ऑक्सीडेशन करता है बट वो फैट को अपने पास जमा नहीं रखता है। संपूर्ण शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल का 80% भाग लीवर बनाता है। जितना हमें एक्चुअली हमें कोलेस्ट्रॉल चाहिए, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं चाहिए जो कि हम बहुत सारे गंदे कह सकते हैं कि वो फूड जंक फूड से लेते हैं, बट गुड कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए। सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्रेन्स को चाहिए, सारे ज्वाइंट्स को चाहिए, सैनोवियल फ्लूड को चाहिए,
तो कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए, तो जो कोलेस्ट्रॉल हमें चाहिए हम फूड से भी लेते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल, बट जितना हमारे बॉडी को चाहिए उसका 80% भाग लीवर बनाता है। फॉस्फोलिपिड्स एवं लाइपो प्रोटीन्स का निर्माण भी इसी में होता है। लीवर प्रतिदिन 15 से 50 15 to 50 ग्राम प्रोटीन का निर्माण करता है। ब्लड में 30 to 50% एमिनो एसिड सामान्य स्तर है, जिससे लीवर ग्लूकोज, अमोनिया, यूरिया, प्लाज्मा प्रोटीन्स आदि बनाता है, तथा आवश्यकता अनुसार ऑक्सीडेशन द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। जो अमीनो एसिड होता है, मतलब जो प्रोटीन ब्रेकडाउन है, जो प्रोटीन हम खाना खाते हैं, मतलब जो प्रोटीन हम खाना खाते हैं डायरेक्ट हमारा बॉडी का प्रोटीन वो नहीं है। हमारा बॉडी का प्रोटीन है इंजाइम्स, हार्मोन्स। तो जो अमीनो एसिड, जो प्रोटीन का हम ले रहे हैं, उसको लीवर है जो प्रोडक्शन करता है बॉडी प्रोटीन्स में, दैट आर द इंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो वो काम भी लीवर का ही है, अमीनो एसिड्स को कन्वर्ट करता है बॉडी प्रोटीन में। वहां ये चीज को यहाँ पे वही ऑक्सीडेशन दिखाया हुआ है। यहाँ पे है एक चीज और मैंने नोट किया था, बाइल प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर एंड यूज टू हेल्प द ब्रेक डाउन ऑफ डाइटरी फैट्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ए डी ई एंड के। ए डी ई के आर द फैट सॉल्युबल विटामिन्स, दे नीड बाइल इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब बाई द बॉडी। अगर हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा, फैट नहीं रहेगा, बाइल नहीं है, तो ये जो विटामिन्स ए डी ई के है वो हमारे बॉडी को एब्जॉर्ब नहीं होगा। मतलब इस बॉडी इस विटामिन्स अगर डिफिशियंट है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कहीं वो डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब लीवर का कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। यहाँ भी इस बुक में भी ऐसा ही कुछ मेंशन है, लीवर विटामिन ए डी बी की इतनी मात्रा जमा रखता है, यदि 10 माह तक हम भोजन नहीं करें तो भी हमारा शरीर इसे आपूर्ति करेगा। मतलब लीवर अपने पास इस तरह से उसे जमा करके रखा है कि वर्स्ट कंडीशन में वो 10 महीने तक इतना उसके पास है ताकत कि रखा है कि हमें 10 मंथ तक के आगे वो एनर्जी देते रहता है। लीवर आयरन का संग्रह 15 से 30% करता है। लीवर रक्त में मौजूद रक्त ब्लड कोगुलेशन फैक्टर्स का निर्माण एवं संग्रह करता है। ब्लड जब भी कुछ कट जाता है तो जो ब्लड जमना है, जो फैक्टर है, ब्लड कोगुलेटिंग फैक्टर है, उसका निर्माण लीवर करता है और उसे जमा भी रखता है अपने पास। और वो वाइटामिन के, ऐसे भी हम उसको समझते हैं कि अगर किसी का ब्लड नहीं जमता है तो बोलते हैं उसको वाइटामिन के की कमी है। तो सेम ये यहाँ पे दोनों कनेक्टेड हो रहा है कि वाइटामिन के को भी वो बनाता है, के को एब्जॉर्ब करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए भी, और वो बनाता भी लीवर है, वो कोगुलेटिंग फैक्टर भी। लीवर अघुलनशील बिलुरुबिन को घुलनशील बिलुरुबिन में परिवर्तित करता है। वो जो बिलुरुबिन है इनसॉल्युबल है, अगर वो इनसॉल्युबल है तो एक्सक्रीट नहीं हो पाता है सारा, तो उसके लिए उसको डिजॉल्विंग रूप में फॉर्म करता है, घुलनशील बिलुरुबिन में परिवर्तित करता है लीवर। लीवर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर जल में घुलनशील यूरिया का निर्माण करता है। अगेन यहाँ पे यही है, यूरिया है जो छोटा पार्टिकल्स है और वो घुलनशील है, अगर वो यूरिया में नहीं कन्वर्ट होगा तो वो शरीर में ही घूमता रहेगा अमोनिया, जो कि बाहर नहीं निकलने पे वो टॉक्सिन्स बनेगा, तो वो उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है और फिर यूरिया हमारे यूरिन से बाहर निकल जाता है। लीवर कुछ दवाएं सल्फोनामाइड्स पेंसिलिन अपने बाइल में स्क्रीट कर देता है। उपरोक्त कार्य लीवर के मुख्य कार्यों की झलक मात्र है। यहाँ पे अच्छा से बताया हुआ है कि जो भी ये फंक्शन दिया हुआ लीवर का वो बहुत ही कम है, क्योंकि लीवर का फंक्शन एक्चुअली बहुत ज्यादा है। इनके अलावा अन्य छोटे छोटे बहुत से कार्य हैं जिनके लिस्ट करने पे एक अलग अध्याय तैयार हो जाएगा। एक्चुअली मैं यही कहने वाली थी कि लीवर का फंक्शन इतना वास्ट है कि एक चैप्टर क्या हो, मतलब मुझे तो लगता है पूरा बुक रेडी हो जाएगा। लीवर रियली पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यहाँ हमारा तात्पर्य लीवर फंक्शन टेस्ट से है, जिनकी जानकारी हेतु लीवर के बारे में उपरोक्त ज्ञान का होना आवश्यक है।
अब है लीवर फंक्शन टेस्ट, क्यों करें, कब करें? किसी रोग में लीवर की सहभागिता जानने लिए लीवर का कितना सहयोग है या जानना आवश्यक है तो टेस्ट करते हैं। जिन रोगों का सीधा संबंध लीवर से हो वहां पहली मुलाकात में, मतलब अगर हमें समझ में आता है, सपोज जॉन्डिस है, या ऐसे हमें समझ में आता है कि ये लीवर की वजह से ही होगा, तो हम फर्स्ट टाइम में ही डॉक्टर बोलते हैं कि आप लीवर टेस्ट करवा लीजिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे डिजीज हैं जो उसका इनडायरेक्टली रिलेशनशिप होता है, जैसे आई साइट। आई साइट का लोग मतलब समझते हैं कि आंख की बीमारी है, स्क्रीन से हुआ है, सो मेनी थिंग्स, बट इसका भी हम तो जानते हैं, टीसीए में पढ़े हैं, आयुर्वेदा में भी इसका भी रिलेशनशिप लीवर से होता है। तो जब डॉक्टर्स को लगता है कि वो डायरेक्ट इससे रिलेटेड टू लीवर, तो वो फर्स्ट टेस्ट में ही टाइम में बोलते हैं कि आप लीवर टेस्ट करवा लीजिए। जैसे लीवर के वायरस संक्रमण, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस या जॉन्डिस का होना, गॉल ब्लैडर में पथरी के होने पे विशेष दर्द उठता है और वो भी लीवर से रिलेटेड होता है, गॉल ब्लैडर का स्टोन। लीवर फंक्शन टेस्ट कई हैं जिन्हें लीवर के कार्यों के अनुरूप डिवाइड किया गया है। पहला है पिगमेंट मेटाबॉलिज्म, हेम कैटाबॉलिज्म इन लीवर जॉन्डिस के रोगी में, सेरम बिलिरुबिन स्तर, सेरम बिलिरुबिन लेवल। हम सेरम बिलिरुबिन लेवल को देखते हैं, अगर वो बढ़ा रहता है तो इसका मतलब है कि वो जॉन्डिस होता है। फिर एक है वान डेनबर्ग, ये स्पेलिंग वी ई एन लिखा है, एक्चुअल में रियल स्पेलिंग है वी ए एन, वान डेनबर्ग टेस्ट। दूसरा है यूरिन बिलिरुबिन की मौजूदगी, यूरिन में बिलिरुबिन का होना, यूरिन एंड फीकल यूरिनोबिलिरुबिन, यूरिन एवं मल में यूरोबिलिरुबिनोजन का होना। सेकेंड है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किडनी या लीवर के रोगों में, टोटल प्लाज्मा प्रोटीन स्तर, मतलब लीवर का टेस्ट करते हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, उसमें एक देखा जाता है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन लेवल। सेकेंड है प्लाज्मा एल्बुमिन ग्लोबुलिन का रेशियो, एएनजी रेशियो उसको बोला जाता है। थर्ड वन इज प्लाज्मा फाइब्रोजेन लेवल, वसा फैट मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड दूसरा टेस्ट का नाम, वो हृदय की धमनियों में रोगों, मतलब हार्ट के आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरीज भी हो सकता है, एंड दूसरा हार्ट से रिलेटेड आर्टरीज का भी रोग में क्या है, सेरम कोलेस्ट्रॉल एवं कोलेस्ट्रॉल एस्टर, उसका भी अनुपात है किसका, ये सेरम कोलेस्ट्रॉल एवं कोलेस्ट्रॉल एस्टर। सो गुड, मैं भी सेरम कोलेस्ट्रॉल बाय कोलेस्ट्रॉल एस्टर। फोर्थ वन इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, जो डायबिटीज के मेटाबॉलिज्म में इस टेस्ट को करते हैं, दैट इज द ग्लैक्टोज टोरेंस टेस्ट, विष निकारण निराकरण टेस्ट, डिटॉक्सिफिकेशन टेस्ट, लीवर या किडनी के रोगों में देखते हैं। इसमें है हिप्यूरिक एसिड सिंथेसिस टेस्ट, यूरिया का सीरम स्तर, सेरम यूरिया लेवल। सिक्स्थ वन इज द एक्सक्रीटरी टेस्ट, लीवर का उत्सर्जन क्षमता टेस्ट, मतलब लीवर कितना हमारे बॉडी से टॉक्सिन्स को निकाल पा रहा है या नहीं, उसका भी टेस्ट है, दैट इज द लीवर एक्सक्रीटरी टेस्ट, उसका नाम है सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल, मतलब कि ब्लड में सीरम अल्कलाइन फॉस्फेट लेवल को देख करके हम पता करते हैं कि लीवर टॉक्सिन्स को बाहर निकाल पा रहा है कि नहीं। सेवेंथ वन हेपेटिक नेक्रोसिस टेस्ट, लीवर कोशिकाओं का नष्ट होने का टेस्ट, मतलब लीवर सेल्स दैट इज द लोबियल सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहा है या वो कैसा फंक्शन कर रहा है, उसके लिए टेस्ट है सेरम ट्रांसमिनेज लेवल, मतलब इस लेवल को हम देख के पता करते हैं कि लीवर सेल्स डैमेज तो नहीं हुआ है। नाउ एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट टेस्ट विच आर अंडर लीवर फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत किए गए परीक्षणों का स्पष्टीकरण। जब ये टेस्ट हमारे पास आता है तो मोटे तौर पे हमें पता होना चाहिए कि ये लेवल, हमें ये क्यों जानना है, अगर हम मॉडर्न मेडिसिन से अपने आप को कंपेयर करते हैं या कोई पेशेंट हमारे पास रिपोर्ट्स को लेकर आता है तो हमें इसका लेवल पता होना चाहिए। तब हमें नहीं भी जानेंगे तो खुद से डायग्नोसिस करके हम ट्रीटमेंट तो दे देते हैं, बट वो समझते हैं कि फिर हम छोला छाप डॉक्टर हैं।
अगर इस हम हर चीज को समझते हैं मॉडर्न मेडिसिन के साथ बराबरी करते हैं, तो हमें इस तरह के टर्मिनोलॉजी, इस तरह के लेवल्स को, नॉर्मल रेंज को थोड़ा जानना चाहिए। तो नॉर्मल वैल्यू दिया हुआ है, सेरम बिलीरुबिन का लेवल है 0.22-0.8 mg/cl, यूरिन में इरोबिलिनोजेन की मात्रा 1.124 mg/cl डेली, प्लाज्मा प्रोटीन स्तर, संपूर्ण प्लाज्मा एलोबिलिन लेवल दैट इज 6.8-8.2 g/cl, प्लाज्मा एलोबिन लेवल 4-5.5 g/cl, प्लाज्मा ग्लोबुलिन लेवल 1.4-3 g/cl, रक्त यूरिया स्तर दैट इज 20-40 mg/cl, सेरम अल्कलाइन फॉस्फेट 3-13 Ka/unit/cl, सेरम ट्रांसमिनेज स्तर 40 unit/mg से कम, वॉन डेन वर्ग रिएक्शन दैट इज द बायोफेसिक, मल में यूरोबिलिजोन फीकल यूरोबिलिनोजेन दैट शुड बी 50-250 mg/day, यूरिन में यूरोबिलिनोजेन दैट रेंज नॉर्मल रेंज इज 0.6-4 mg/day, सेरम कोलेस्ट्रॉल दैट शुड बी 150-250 mg/cl। अब वॉन्टेनबर्ग रिएक्शन क्या है? वॉन्टेनबर्ग रिएक्शन परीक्षण रोगी में मौजूद जॉन्डिस के प्रकार को पहचानने के लिए किया जाता है। मतलब हम अब तक समझते हैं कि सिर्फ एक जॉन्डिस है, लेकिन वो इस रिएक्शन से ये पता चलता है कि कौन सी जॉन्डिस है और उसका रीजन क्या है। यह तीन विभिन्न परिस्थितियों में पहचाना जाता है। जब लाल रक्त कण सामान्य से अधिक नष्ट हो जाए, तब हम उसे हीमोलिसिस जॉन्डिस बोलते हैं। जैसे किसी रोगी का बेमेल रक्त चढ़ा है, और ये रीजन क्या है? जब हम किसी रोगी को बिना मैचिंग का, या मैचिंग तो करके ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, बट किसी रीजन से गलत मिसमैच हो गया होगा, तब वो एक रीजन होता है हीमोलिटिक जॉन्डिस का। तो उसमें क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स है जो जरूरत से ज्यादा डिस्ट्रॉय होने लगता है। फिर है पर्नीशियस एनीमिया, उसमें एबनॉर्मल RBC है, हुडकिंग्स डिजीज, सर्प दंश तथा नवजात शिशुओं में इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज, लार्ज पल्मोनरी इन्फ्रैक्ट, रप्चर्ड ट्यूबल प्रेगनेंसी, ब्लड हिमोलिटिक, स्ट्रेप्टोकोकी संक्रमण, इन सारे दीज आर द सिचुएशन। ये जा सारे जो सिचुएशंस है हिमोलिसिस जॉन्डिस, पर्नीशियस एनीमिया, हुकिंस डिजीज, या जो सर्प दंश, स्नेक बाइटिंग, या बिल्कुल इन्फेंट बेबी में इंट्रा पेरिटोनियल हेमरेज, लार्ज पल्मोनरी इन्फ्रैक्ट, दीज ऑल आर द सिचुएशंस। इन सारे सिचुएशंस में लीवर पूर्णतया स्वस्थ है और अपनी पूरी क्षमता से अघुलनशील बिलीरुबिन को घुलनशील बिलीरुबिन में परिवर्तित कर रहा है, किंतु लाल रक्त कणिकाओं के टूटने की गति लीवर की क्षमता से अधिक है। अतः इस दशा को वॉन डेन वर्ग रिएक्शन दर्शाया जाता है। इसे प्री हेपेटिक दशा भी कहते हैं, दैट इज इसे नोन एज प्री हेपेटिक, दैट्स ऑल। जब लीवर कोशिकाएं आधे से अधिक बीमार हों, तब इसे इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस कहते हैं। इसमें लीवर कोशिकाएं नष्ट होने लगती है, उसको हेपेटिक नेक्रोसिस कहते हैं। लीवर सिरोसिस हृदय की कपाटियों रोगों के कारण, कार्डियक सिरोसिस तथा लीवर इन्फ्रैक्शन, इन स्थितियों में लीवर का परिवर्तन क्षमता कम हो जाता है। अतः अघुलनशील बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य से अधिक तथा घुलनशील बिलीरुबिन की मात्रा सामान्य रहती है। अतः वान डेन वर्ग रिएक्शन दर्शाता है, बायोफिजिक दर्शाता है। इसे हेपेटिक दशा भी कहते हैं। मतलब उसका सेल्स है, लीवर सेल्स है, वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है अघुलनशील बिलीरुबिन को जितना करना चाहिए।
तो इसकी वजह से क्या है कि शरीर में अघुलनशील बिलिरुबिन है, बिकॉज वो जो घुलनशील बिलिरुबिन है वो बाहर निकल जाता है, मगर वो जो नहीं घुलनशील है वो हमारे शरीर में ही रह जाता है। और उसका रीजन है कि लीवर सेल्स है जो ज्यादा डैमेज हो रहे हैं, तब उसको वन डे रिएक्शन और इसको बायोफिजिक से दर्शाया जाता है। थर्ड है, जब बाइल जूस की निकासी कहीं अवरुद्ध हो जाती है और बाइल जूस ड्यूडेनम में नहीं पहुंच रहा है, जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट का किसी बाहरी ट्यूमर के कारण अवरुद्ध हो जाना। जब हम खाना खाते हैं, ब्रेन सेल्स को मैसेज आता है, तब बाइल सिक्रीट होता है। वो बाइल कहाँ कहाँ से आ रहा है? लीवर तो 24 आवर्स बाइल को सिक्रीट कर रहा है, वो भी जा रहा है, प्लस गॉल ब्लैडर से जा रहा है, तो वो दोनों वहां से कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू ड्यूडेनम के पास पहुंचते हैं। लेकिन अगर वो बाइल ड्यूडेनम के पास नहीं पहुंच रहा है, तो उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? लीवर, गॉल ब्लैडर और कॉमन बाइल डक्ट में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, कुछ उसमें स्टैग्नेटेड है। उस स्थिति में क्या होता है, उसका रीजन क्या क्या हो सकता है? कैंसर या कभी कभी स्टोन भी, गॉल ब्लैडर का स्टोन आकर के कॉमन बाइल डक्ट में ऑब्स्ट्रक्शन बन जाता है, तो बाइल भी कम पहुंचता है और पेन भी बहुत होता है। और वो कैंसर भी, जब कैंसर भी होता है तो जो बाइल है वो ड्यूडेनम तक नहीं पहुंच पाता है। वो कैंसर या तो गॉल ब्लैडर का हो सकता है, लीवर के पास भी हो सकता है और कॉमन बाइल डक्ट का भी होता है। इस डक्ट में पथरी तथा इस डक्ट का फाइब्रियोसिस या स्ट्रिंचर ये सभी दशा में है, जो कि बाइल है ड्यूडेनम तक नहीं पहुंचता है। इस दशाओं में बिलिरुबिन समान रूप से लीवर कोशिकाओं को गुजारा, किंतु ड्यूडेनम में उत्सर्ज नहीं हो पाने के कारण पुनः शोषित होकर रक्त में पहुंच गया। जल में घुलनशील बिलिरुबिन की मात्रा अधिक होने के कारण इस दशा में वान डेन रिएक्शन पॉजिटिव, इसको डायरेक्ट पॉजिटिव रिपोर्ट दर्शाया जाता है। इस पोस्ट हेपेटिक, जो इसे पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस भी कहते हैं, इस मैंने इसका पेशेंट भी देखा था, जीबी का कैंसर होने की वजह से, मतलब डॉक्टर को शुरू में तो पता नहीं चलता, और जीबी का जो कैंसर इतना टाइम भी नहीं देता है, इस ऑलमोस्ट 3 मंथ्स। तो सबसे पहले पेशेंट को ऐसा लग रहा था कि उसको डायबिटीज हुआ है एक्सट्रीमली, बट 60 ईयर्स में किसी को डायबिटीज नहीं होता है। तो लेकिन इतना ज्यादा शुगर बढ़ा हुआ है, तो वो उसका रीजन है कि वो जो कैंसर है वो पैनक्रियाज को भी बहुत ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से उसका शुगर लेवल बहुत हाई आ रहा था। तो इन चीजों, छोटे छोटे चीजों को हम समझते हैं तो मॉडर्न मेडिसिन से समझ में आता है एक्चुअली क्लियरली, बिकॉज मॉडर्न मेडिसिन के पास बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जिसे क्लियर दिखाई देता है फिजिकली, और प्लस ये रिपोर्ट है जो और भी अंदर की चीजों को दिखा देता है। तो इन सारे कंडीशन, ये रिपोर्ट्स है जो हमें एग्जैक्टली बता देगा। इस रिपोर्ट को देख करके डॉक्टर बताते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, लीवर में क्या प्रॉब्लम है। तो टेस्ट का नाम है, 3 तरह के टेस्ट हैं, प्री हेपेटिक, सॉरी लेवल 3 डिजीज को दिखा रहा है, प्री हेपेटिक, पोस्ट हेपेटिक, अनहेपेटिक। तो वन डिन वर्ग रिएक्शन जब करते हैं तो प्री हेपेटिक में वो पॉजिटिव होता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव होता है, पोस्ट हेपेटिक में डायरेक्ट पॉजिटिव होता है, और हेपेटिक में बाइफेजिक होता है। सेरम बिलिरुबिन लेवल प्री हेपेटिक में भी हाई रहता है, पोस्ट हेपेटिक में भी हाई रहता है, और हेपेटिक में भी हाई रहता है। सेरम हीमोग्लोबिन लेवल प्री हेपेटिक में ज्यादा होता है, पोस्ट हेपेटिक में सबसे कम दिखता है इन तीनों के कंपेयर में, और हेपेटिक में इसमें 2+ दिखा है, इसका मतलब उससे ज्यादा दिखता है। सेरम ग्लोबुलिन लेवल प्री हेपेटिक में भी बढ़ा रहता है, पोस्ट हेपेटिक में बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है, और हेपेटिक में पोस्ट हेपेटिक के कंपेयर में थोड़ा कम होता है, और प्री हेपेटिक कंपेयर में ज्यादा होता है। सेरम एल्केलाइन फॉस्फेट लेवल, इसमें प्री हेपेटिक में एक्चुअली कह सकते हैं कि वो नॉर्मल दिखता है, प्लस माइनस नॉर्मल मतलब
उसको देख करके नहीं पता चलेगा सेरम एल्कलाइड फॉस्फेट लेवल को कि वो बंदा प्री हेपेटिक है कि नहीं, लेकिन पोस्ट हेपेटिक में वो बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है और अगेन हेपेटिक में वो प्लस माइनस वैसे ही नॉर्मल रहता है। टोटल सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल प्री हेपेटिक कंडीशन में नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल होता है, पोस्ट में बहुत बढ़ा रहता है, और हेपेटिक कंडीशन में टोटल सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल घटा हुआ रहता है। टोटल सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल हेपेटिक कंडीशन में घटा रहता है, पोस्ट हेपेटिक अगर पेशेंट है तो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मतलब अगर ये रिपोर्ट में दिख रहा है कि टोटल सेरम कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा है, दैट मीन्स कि वो पेशेंट है जो पोस्ट हेपेटिक कंडीशन में पहुंच गया। मूत्र यूरिन बिलिरुबिन प्री हेपेटिक में नहीं है, पोस्ट हेपेटिक में मौजूद रहता है, हेपेटिक में भी मौजूद रहता है। यूरिन में इरोबिलिनोजेनन प्री हेपेटिक में बढ़ा रहता है, पोस्ट हेपेटिक में नहीं होता है, और हेपेटिक कंडीशन में बहुत ज्यादा बढ़ा रहता है। स्टूल टेस्ट अगर उसका करवाते हैं तो स्टूल टेस्ट काफी डार्क रहता है एंड क्ले कलर्ड होता है, थोड़ा अनपचा वसा की तरह आता है, तो वो पोस्ट हेपेटिक है। सर एक बार नीचे थोड़ा आएंगे एंड प्री हेपेटिक में वो थोड़ा पेल होता है। हाँ, हेपेटिक में वो पेल होता है, पोस्ट हेपेटिक में थोड़ा अनपचा सा रहेगा, और प्री हेपेटिक में काफ स्टूल है जो काफी डार्क होता है, तो स्टूल टेस्ट से भी इस डिजीज का पता चलता है। लीवर के रोगग्रस्त होने पे हालांकि पीला रंग बिलीरुबिन बढ़ने का कारण होता है, परंतु रोगी को तकलीफें बाइल सॉल्ट की वजह से होती है, जैसे इचिंग होना, ब्रैडीकार्डिया होना। ब्रैडीकार्डिया मतलब स्लो पल्स, पल्स थोड़ा धीमा हो जाता है, तब उसे ब्रैडीकार्डिया बोलते हैं। कैपिलरी इंडोथीलियम बाइल साल्ट द्वारा नष्ट होने पे यहाँ वहाँ मसूड़ों में, नाक में तथा गुदा से रक्त निकालना, हेमरेज होता है, तथा नमनेस और डिलेड रिफ्लेक्स होता है। एक्चुअली जब बिलीरुबिन बढ़ जाता है तो उसको ऐसा वो सिम्टम्स है कि लीवर, मतलब उसको समझते हैं कि जॉन्डिस हो गया है, आंखों से पता करते हैं, नेल से, यूरिन का कलर येलो हो जाता है, जो हमारा स्क्लेरा हाई का वो व्हाइट से येलो हो जाता है, नेल भी पिंक से येलो हो जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्यों हमें प्रॉब्लम होता है उसमें, जैसे इचिंग है तो बाइल सॉल्ट बढ़ जाने की वजह से हमें इचिंग भी होता है, हमारा पल्स लो हो जाता है, और बहुत जगह से ब्लीडिंग होना शुरू होता है, जैसे हमारे मसूड़ों से, जॉ से, नोज ब्लीडिंग होता है, एनस ब्लीडिंग होता है, हेमरेज होना शुरू हो जाता है, और हमें नमनेस फील होता है, मतलब तो हमें सेंस थोड़ा घटने लगता है, और रिफ्लेक्स भी डिले होने लगता है। सेकेंड रिएक्शन है, दैट इज द सेरम बिलीरुबिन लेवल। सर इसे 724 कंटिन्यू करना है या इसे कर लेना है? नहीं कंटिन्यू कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, ठीक अभी है तो सर, समय है, टाइम या है। थैंक्स। सेरम बिलीरुबिन लेवल, इस अकेले परीक्षण से रोग निदान में उतनी सहायता नहीं मिलती, क्योंकि सेरम बिलीरुबिन लेवल क्यों बढ़ा है इसका ज्ञान नहीं होता है। मतलब सेरम बिलीरुबिन का जो टेस्ट है उसे ये नहीं पता चलता है कि क्यों ये बढ़ा हुआ है, लेकिन यह परीक्षण लीवर रोगों में बुनियादी अनुमान देने में सक्षम होता है। सामान्य सेरम बिलीरुबिन लेवल 0.2 to 0.8 mg/cl का अर्थ है लगभग 1 से 2, 1 to 2 × 10^8 रेड ब्लड सेल्स प्रतिदिन बोन मैरो में, स्प्लीन में तथा लीवर में हिमोलाइज्ड हो रहे हैं। 210 से 250 mg बाइल पिगमेंट लीवर से बाइल जूस में उत्पन्न होता है। बाइल पिगमेंट लीवर के बाइल जूस, अच्छा बाइल पिगमेंट भी, बाइल जूस जो सिक्रीट होता है उसे 210 से 250 मिलीग्राम बाइल पिगमेंट है जो फॉर्म करता है। सामान्यतः सेरम बिलीरुबिन स्तर में कंजुगेटेड बिलीरुबिन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, अतः इस परीक्षण में लीवर का रोल अनुमान नहीं किया जा सकता। निष्कर्ष,
लीवर रोग निदान में सेरम बिल्यूरुबिन लेवल एवं वांडेन वर्ग रिएक्शन परीक्षण आवश्यक है। शेष लीवर फंक्शन टेस्ट लीवर में कोशिकाओं में की प्रतिशत निष्क्रियता का अनुमान देते हैं। यहाँ पे इस लाइन को पढ़ने से ये लग रहा है कि सेरम टेस्ट से ज्यादा यूजफुल वांडेन वर्ग रिएक्शन टेस्ट है, उससे एग्जैक्टली पता चलता है कि लीवर फंक्शन कैसा काम, मतलब लीवर कैसा काम कर रहा है, उसका लीवर का सेल्स का कितना फंक्शन काम कर रहा है, कितना अनफंक्शनल हो चुका है। सामान्यतः प्लाज्मा में अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ जुड़कर सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट कहते हैं, जैसे वाटर अगर है उसमें शुगर डाले तो शुगर सॉल्यूट है, वाटर सॉल्वेंट है, और जब बना तो सॉल्यूशन। तो ये जो एल्बुमिन है, मतलब अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन एल्बुमिन के साथ जुड़कर सॉल्यूट होता है, उसमें 100 मिलीलीटर प्लाज्मा बाइंड में 25 मिलीग्राम बिलिरुबिन। तो प्लाज्मा यहाँ पे सॉल्वेंट का काम कर रहा है और इसमें 25 मिलीग्राम बिलिरुबिन है जो सॉल्यूट का काम कर रहा है। इससे अधिक बिलिरुबिन की मात्रा आसानी से मस्तिष्क के न्यूरॉन बेसल गैंग्लिया आसानी से मस्तिष्क के न्यूरॉन बेसल गैंग्लिया हिप्पोकैम्पस सेरिबेलम और मेडुला में प्रवेश कर न्यूरॉन के श्वसन अंग पर कब्जा कर लेता है। मतलब न्यूरॉन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उस पे ये अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन प्लाज्मा के साथ बाइंड करके, इसमें अगर अधिक बिलिरुबिन की मात्रा है तो मस्तिष्क के न्यूरॉन सेल्स जैसे बेसल गैंग्लिया हिप्पोकैम्पस सेरिबेलम और मेडुला में करके वो न्यूरॉन इज द सेल बेसिक सेल ऑफ ब्रेन सेल्स, उसको न्यूरॉन बोलते हैं। अतः न्यूरॉन मरकर नेक्रोसिस हो जाता है। इस दशा में अक्सर नए जन्मे मतलब इन्फेंट्स बेबी में देखा जाता है। ओके, अब ब्रेन सेल्स को ये डैमेज कर देते हैं और ये कंडीशंस मोस्ट ऑफ द कंडीशन ये इन्फेंट बेबी में होता है और इस कंडीशन को बोलते हैं बिलिरुबिन इंसेफेलोपैथी और कर्निसेक्टस। कंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के बाइल जूस के माध्यम से छोटी आंत में उत्सर्ज कर जाता है। कंजुगेटेड बिलिरुबिन लीवर के बाइल जूस के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन से वो एक्रीट होता है। अतः आंत की एपिथिलियम इंटेस्टाइन का जो एपिथिलियम सेल है इस बिलिरुबिन हेतु परमिएबल नहीं है। मतलब जो आई थिंक सो आंत मतलब लार्ज इंटेस्टाइन का जो एपिथिलियम सेल है वो इतना परमिएबल नहीं है कि वो बिलिरुबिन को बाहर निकाल सके। वो सिर्फ 5 से 10% ही है जो एब्जॉर्ब करता है और वो यूरिन के थ्रू एक्रीट हो जाता है। अतः रोगी के मल में और जो नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ तो 5 से 10% ही एक्रीट हो रहा, तो जो बचा हुआ है 95 से 90% वो है जो स्टूल के द्वारा एक्रीट हो जाता है। रक्त में कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा त्वचा में छोटे छोटे पीले रंग के उभार नोड्यूल्स जैंथोमाटा पैदा करता है। अगर अधिक वो देखा भी जाता है, इसलिए वो जब आईज के ऊपर जैंथोमास होता है तो वो फाइंड आउट होता है कि उसको हाई कोलेस्ट्रॉल होगा। ये ब्लड के हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल की वजह से वहां पे छोटे 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 या बड़े पीले रंग के उभार हो जाते हैं। लीवर के रोगों में प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन स्तर गिर जाने पे आकस्मिक रक्त स्राव होना एक सामान्य दशा है। ओके, प्रोथ्रोम्बिन है जो ब्लड को क्लॉट करने में, जहां तक मुझे लग रहा है ये ब्लड को क्लॉट करने के लिए होता है, लेकिन क्योंकि उसमें कम है, जो लोग लीवर के डिजीज वाले पेशेंट्स हैं उनमें प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन का लेवल अगर घट जाता है तो ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है लीवर से। और इस परीक्षण में अधिकतर न्यूट्रोफिल की कोशिकाएं अधिक पाई जाती है। मतलब अगर हम टेस्ट करते हैं और न्यूट्रोफिल का सेल्स ज्यादा है तब हम समझते हैं कि लीवर से ब्लीडिंग हो रहा है और उसका रीजन है कि उसमें प्लाज्मा प्रोथ्रोम्बिन का लेवल घट जाता है। लीवर कोशिकाओं में बदलाव के कारण आए किसी रोगी के 100% पहचान लीवर बायोप्सी के द्वारा होती है। एक्चुअली लीवर बायोप्सी है जो मतलब कैंसर से कैंसर को देखता है, बट उसका
सबसे ज्यादा उसको मतलब देख सकते हैं 100% अगर लीवर के बारे में पता करना है तो लीवर का बायोप्सी टेस्ट 100% दिखाएगा कि उनके लीवर में क्या प्रॉब्लम है। सर बुक से तो खत्म हो गया। जी हाँ, इन लोगों को पढ़ना बहुत बढ़िया। मैं आता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। आप लोगों ने सुना, सब लोगों ने, तो पढ़ने की दृष्टि। बहुत अच्छा मैम, बहुत बढ़िया। बहुत सर थैंक यू सर। अच्छा समझाया मैम। बहुत बढ़िया। ये इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है कि हम लोग इसके माध्यम से थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि बहुत पारंगत हो जाएंगे, लेकिन इसके बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि कोई आया लीवर का, तो हम लोग कम से कम इसको देख करके समझ जाएंगे कि हम लोग ये देखना है, और वो कोई टेस्ट है तो हमारे पास लिखा हुआ है कि सामान्य स्तर क्या है, उसके नॉर्मल जो लेवल है उसको देख करके हम लोग समझ सकते हैं कि ये टेस्ट हुआ है तो इसमें ये है। हमारी ट्रीटमेंट अपनी होगी। हमारे पास आयुर्वेदिक है, हमारे पास चाइनीज है, हमारे पास डॉक्टर वॉल है, हमारे पास जो है YNM है, तो हमारे पास सिस्टम बहुत है, लेकिन हम लोगों को इतना समझना है और समझ जाएंगे तो बहुत बढ़िया से पढ़ाया जो है, बहुत बढ़िया से बताया एक्चुअली डॉक्टर नीतू किरण ने। पूरा सारी चीजों को डिटेलिंग करके बताते रहे तो हम लोगों को इस ये समझना अच्छा है लगता है कि भाई इस किताब के देखिए, किताब जो है इस किताब को लोग छोड़ देते हैं, ये तो खुद पढ़िए, लेकिन कोई जब बताता है उसको तो आपको कंसंट्रेशन बढ़ता है, नंबर वन। नंबर टू, आप उसको समझते हैं अधिक है, और फिर आप जब पढ़ेंगे दोबारा तो आपको और समझ में आएगा, तो ये चीज होती है। तो बहुत बहुत थैंक यू डॉक्टर नीतू किरण, आपने बढ़िया हम लोगों को थोड़ा सा बताया, और हम लोग चाहते हैं कि इसको आप लोग पढ़िए, पढ़ने के बाद इसको इस वीडियो को भी पढ़िए, सुनिए, दोबारा सुनेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको और अधिक अच्छा लगेगा, और जब दोबारा पढ़ेंगे तो आपको बहुत लगेगा कि अरे ये तो हमको बहुत पहले से मालूम है। तो ऐसे ही करिए और वीडियो को शेयर करिए, सब लोग बताइए, सब लोगों को अवगत कराइए कि हमारे सेमेस्टर के ये पार्ट है, हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम उसको पढ़ना चाहिए, और सबको अगर करेंगे तो सारे लोगों को बताने का तरीका ये है कि हम लोग आपस में ही इंटरेक्ट करेंगे तो हमको ही ज्ञान बढ़ेगा, हमारा ही ज्ञान तो बढ़ रहा है, तो उस लोग ज्ञान बढ़ाइए और ट्रीटमेंट में अपने को सहयोग, सबका सहयोग करिए, और हम लोग तब अल्टीमेटली जो हमारा संस्थान का उद्देश्य है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन, इसको सार्थकता प्रदान करिए। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग आज शुरू करते हैं। धन्यवाद सभी को। नमस्ते सर, नमस्ते मैम, थैंक यू सो मच सर।